सुना सकते हैं वाकिया या कोई ऐसी चीज़ मैंशन कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपने उसी वक्त सीन में खुद से ऐड हो जो हमें आई डोंट डोंबर स्पीक जिस तरह ये फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ में कह दे दो आ, एक चीज़ लोगों को वापस आई थी कि फाइनली जब वो मरीम को अब मेरे साथ एंड वो okay. ऐसे लग रहा है कि मैं उस पर अटैम्प्ट करने लगूँ mm -hmm. तो वो फ़ोन बजते और वो लाइन है कि mm -hmm. आ, तुम्हारे ससुर की कॉल आ रही है, <laughs> so, जब वो जिस तरीके से स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी ना, उसको <laughs> डराने like के लिए, <laughs> पर जब मैंने पढ़ा मुझे हंसी आई <laughs> <was like>, <laughs> नहीं डराऊंगा <This> <laughs> नहीं और <laughs> <laughs> और वो मैंने लोगों को बहुत पसंद आई <laughs> फिर ये जो पूरा वो है जो लोगों ने एक बहुत बात पॉइंट आउट की है कि वे मलिक जुबैर को शाउटिंग उसको ये सोचा बो इतनी मेहनत है इस पॉइंट पे आने के लिए जहाँ पे भी नखरे उठाए हैं इसकी भी बातें सुनी है मीरब की भी बातें सुनी मलिक जुबैर कैसा आदमी है वो बाप को जुड़ गए तो वो मतलब मैं भी डर गई थी <laughs> सॉरी अभी इस बस में दैट वाज माइंडेड माय सोचा अब इस पे फिर लोग बोलेंगे ओ माय गॉड ही इज टू लाउड बट वो नेचुरल एक चीज बस आ गई mm -hmm. और इस तरह की दो तीन चीजें जो चल गई फिर आ, काफी सीन है बट ये तो मुझे ऐसा चीज याद

वो, वो वो मेरा मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर था कोई नंबर बताऊंगा तो मुझे वो कहते हैं इधर अपने बुला के कि बेटा प्यारा प्यारा लग एक्टिंग नहीं कर हमेशा कैरेक्टर्स करने का शौक है क्योंकि मैं थिएटर का एक एक्टर हूं मेरे अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जिसने दिखाना है राइट तो मैं फिर कैरेक्टर्स को फोकस करता हूँ अब उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू डू पॉजिटिव कैरेक्टर्स एज वेल बट मुझे इतना मजा नहीं आता पॉजिटिव में लाइक like, मुझे आप पागल की एक्टिंग देते हैं मुझे आप वो बना दें कोई समवन हु इज लाइक बाई पोलर हुफ्रेनिक हु इज़ लाइक इवन एनी थिंग एनी गुड कैरेक्टर के नशे ही है आई वॉन्ट इंजॉय डूइंग दैट ओवर द हीरो बट हीरो भी करना है मुझे अब समझ आ रही है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं ना बहुत टाइप कास्ट हो रहा हूँ hmm. कि आई आईव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाई दिलन यू नो बट वो है है कि कि सिर्फ भी नहीं फेमस होना चाहता मैं ये आई आई डोंट नो कैसे चलता अंडरस्टैंड really अच्छा ये बताएं से हमने पूछा कि भाई अनस आ रहा था तो गार्ड्स ने क्यों नहीं पकड़ा उसको तो मरियम ने कहा अनस गंदी गली से आता था <laughs> इसलिए आपकी क्या लॉजिकल नहीं लॉजिक नहीं मतलब यही अनस कैसे है? था था? इतने के गार्ड से एक तो मेरा ये था कि शायद उसने

माफ करें। बहुत बुरी है। वो के साथ क्योंकि okay. so, पूरा पूरा बचपन से ना पूरा पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ के गेम्स खेल रहा हूँ टी आगे गेम्स खेल रहा हूँ अभी वही है तो so, विदेश छोड़ गैसी नजर नहीं आता प्लीज़ आई टू पॉलीजाइज नथिंग मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं अगर नजर कमजोर है या कुछ है उस पर भी हम कुछ नहीं करें मरियम ने हमें कन्विंस कर दिया था कि हम एक गंदी गली से आते थे ये ऐसे ही इतना सीरीस चल रहा है तो थोड़ा सा मजाक कर लेते अच्छा तो अनस कौन है अनस एक अच्छा, अनस एक अच्छा, लड़का, एक अच्छा लड़का है <laughs> या अनस अनस है या अनस मलिक जुबैर है अच्छा जब अच्छा ये मीम्स चल रही थी तो आपका क्या था? मुझे फनी लगा था क्योंकि उससे पहले सिर्फ मुझे वो था कि के, के मलिक जुबैर तुम ये हाँ। तुम वो फ्ला 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 सब ऑफ फनी बट ये जब अनस एक अच्छा लड़का है चला तो मुझे बड़ा फनी लगा कि यार मतलब सही है

और अगर आप देखें तो अगर मलिक जुबैर नहीं आता और उसने ये सब नहीं किया होता अनस नहीं होता तो हमें कोई ये थ्रिल ये एक्साइटमेंट ही नहीं होती कि ओ oh, मरियम भागेगी नहीं भागेगी मरियम बचेगी नहीं बचेगी सो आई थिंक समटाइम्स इन आर यू नो एक्साइटमेंट हम भूल जाते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट yeah, हैं yeah.

अगेन मेरी लक ये कि देखें लोगों ने मेरे से बहुत ज्यादा काम किया हुआ लेकिन मेरी रिकग्निशन ज्यादा वाई अगेन आई एम जस्ट लक ये अल्लाह तला का एहसान yeah. है क्योंकि मेरे दो तीन ड्रामे हिट हो गए मेरा पहला ड्रामा संगे मरमर हिट हो गया mm -hmm. एक ती मरियम mm -hmm. हिट हो गया फिर मैंने कैसेन एस की बाकी यहाँ वो हिट हो गया तो मेरी अगेन ये भी मेरी लक है ये माँ बाप की दुआएं अल्लाह का एहसान है इस पर भी मैं हा हो, हो mm -hmm. कर सक बट दिस नो पट सो मेरे पास थोड़ी बहुत रिकग्निशन थी आफ्टर दिस दिस इज अनदर लेवल ऑफ रिकन एंड अलहमदुल्लाम गेटफुल टू अल्लाह बट नैट मैटर्स टू मी वाई बिकॉज मेरी ना एक जंग चलती रही अपने घर वालों से आई एम द क्योंकि आफ्टर जब क्रिकेट की तरफ अगर हम आते हैं सो आई वॉज का आपको यहाँ रोकू थोड़ा सा